हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2021। 23 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर जी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना। मंत्री ने लक्षद्वीप के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भाग भी लिया। चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें, फर्स्ट डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रूप में पंजीकृत करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अन्य देशों द्वारा उत्पादों के अनधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत यानी GI के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। यह दुर्लभ नमक पंजाब में सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है, जो पाकिस्तान के पहाड़ों और झेलम नदी के उत्तर में फैली हुई है। ये आपको बात करें पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जी। बात करें फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त बिगेस्ट लेक है मानचार। बात करें पाकिस्तान के नेशनल गेम की तो हॉकी। एनिमल है मार्कचोर। बर्ड है चुकार। फ्लावर है जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रिसेंटली व्हेन सेलिब्रेटेड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना यानी फॉस्टरिंग मल्टी लिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस दिवस के बारे में बात करें तो नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने प्रस्ताव में दिन की घोषणा का स्वागत किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CRPF। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस गाथा है, इसमें 1939 से CRPF की यात्रा चुनौतियों और सफलताओं पर गहन शोध लेख शामिल है। बात करें CRPF का तो CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A&B यानी कि नाओमी ओसाका एंड नोवाक जोकोविच।
टेनिस में जापान की नोमोमी ओसाका ने 20 फरवरी 2021 को ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल गेम में अमेरिकी जेनिफर ब्रैंडी को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ओसाका के लिए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब और 2 यूएस ओपन खिताब 2018 और 20 शामिल है। पुरुषों की बात करें तो एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच ने अपने 9वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्राउन और डेनियल मेदवेदेव को हराकर कुल मिलाकर 18वें मेजर ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नोवामी ओसाका और ये है नोवाक जोकोविच। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा देश रक्षा अभ्यास नेवडेक्स 221 और आईडेक्स 21 की मेज़बानी करेगा जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग लेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात में वार्षिक नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स और आईडेक्स का आयोजन किया जा रहा है। यह 20 फरवरी से 25 दूसरा जहाज है। चलिए अब आपको यूएई के बारे में बात करें, बात करें यूएई की कैपिटल अबू धाबी, प्रिंसेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूएई दिरहम नेशनल 2 दिसंबर, हाईएस्ट माउंटेन है जिबिल एविर। नेशनल गेम की बात करें तो कैमल रेसिंग, एनिमल है रिबेन ओरिक्स, बर्ड फैलकॉन, फ्लोरेट ट्रिबुलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से चिंतन दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के भाई बहनों के बारे में विचार करने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन करने के सही अर्थों को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2021 का थीम है शांति स्थापना यानी कि पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग गर्ल गाइडिंग और गर्ल स्काउटिंग के केंद्र में है और पिछले 100 वर्षों की तरह आज भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास SEED किस संगठन की पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास यानी कि स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी कि SEED कार्यक्रम का निर्माण करेगा। इसरो के कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बात करें, बात करें इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है के सीवान जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फाउंडर विक्रम साराभाई, फर्स्ट मिशन लूनार, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के भारत और किस देश ने 5 सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंध और विकास सहयोग की समीक्षा करने के लिए द्वीप समूह राष्ट्रीय मालदीव के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे। इस यात्रा के दौरान श्री एस जयशंकर जी ने मालदीव को भारत निर्मित कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख अतिरिक्त खुराक सौंपी है। इसके साथ मालदीव के लिए भारत द्वारा उपहार में दिए गए कुल कोविड टीकों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई है। जयशंकर ने मालदीव में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का समर्थन करने के लिए 40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की भी पेशकश की है। चलिए अब आपको मालदीव्स के बारे में बताते हैं, मालदीव्स की कैपिटल है माले। प्रेसिडेंट इब्राहिम
मोहम्मद साली जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो मालदीवियन रुफिया, नेशनल गेम है फुटबॉल, एनिमल एलोफेंट टूना, बर्ड है वाइट बिल स्टेट वाटर हैन, नेशनल फ्लावर है पिंक रोसा, पार्लियामेंट नेम है मजलिस मेडाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मालदीव्स। थर्ड डिजिट नोट कर लें, थर्ड डिजिट है हाइड्रोजन ईंधन के लिए ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर PIOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL ने ग्रीन स्टेट नॉर्वे की एक सहायक कंपनी ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेशन ऑन हाइड्रोजन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संघ के तहत CCUs और ईंधन सेल सहित हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र इंडो नॉर्वेजियन हाइड्रोजन क्लस्टर कंपनियों संगठनों के सहयोग से इंडियन ऑयल और मैसर्स ग्रीन स्टेट द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के लिए विकसित किया जाएगा। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली। बात करें इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य में स्मार्ट आंगनवाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरला। केरल सरकार ने पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट आंगनवाड़ियों में बदलने के लिए 9 करोड़ मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत महिला और बाल विकास विभागों में राज्यों की 48 आंगनवाड़ियों को नए भवनों के निर्माण की अनुमति दी गई है। चरणबद्ध तरीके से बचपन की देखभाल प्रदान करने के लिए स्मार्ट आंगनवाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। इसे और अधिक बाल सुलभ बनाने के उद्देश्य से इन सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा। इस तरह इन सुविधाओं से बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब आपको केरल के बारे में बताते हैं। बात करें केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फर्स्ट ऑनरेबल मृगुल्ला रामकृष्ण राव जी, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। चीफ जस्टिस हैं यस मणि कुमार जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निकारागुआ। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय शिक्षा उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के विस्तार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने एक नई योजना शुरू की है जो डिजी लॉकर के साथ पासपोर्ट सेवाओं को एकीकृत करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी मुरलीधरन जी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक नई योजना शुरू की है जो डिजी लॉकर के साथ पासपोर्ट सेवाओं को एकीकृत करती है। इस योजना की शुरुआत के साथ भारत में पासपोर्ट आवेदन अब और भी आसान हो गया। अब आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन करते समय डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। नई योजना पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को विशिष्ट दस्तावेजों को लिंक प्रदान करेगी जो उन्होंने डिजी लॉकर में अपलोड किए हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी एकादान के कार्यक्रमों को संबोधित किया। बात करें RBI बैंक ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 हाल ही में 20 फरवरी को मनाया गया। UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा जी बने हैं। बात करें छठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हाल ही में 19 फरवरी को मनाया गया। बात करें कैप्टन सतीश शर्मा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनका हाल ही में निधन हो गया।
हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। बात करें उड़ीसा राज्य की सरकार ने मां समलेश्वरी मंदिर के लिए विकास पैकेज की घोषणा की है। मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आज़ाद। क्वेश्चन नंबर टू था, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, संदेश ऐप। फोर्थ डिजिट नोट कर लें, फोर्थ डिजिट है 9, यानी कि 9। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण को विमोचन किया है? इन दोनों को क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की